कि विनेश के साथ एक टेक्निकल अड़चन है, और आपने मेरा परसों का ट्वीट भी देखा होगा कि चार नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपीज की सीट खाली है। हमारे देश में खेल प्रतिनिधियों को, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो चाहे मैरी कॉम हो, हमेशा केंद्र की सरकारों ने रिकमेंड करके राष्ट्रपति के माध्यम से सिलेक्ट किया, क्योंकि विनेश के परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। और पुराना मैं वाक्य जो है निरंतर शेयर भी करता आया हूँ कि ये खिलाड़ी कितनी मेहनत से और कितनी लगन के साथ आए हैं। जब विनेश के 5-4 साल पहले चोट लगी थी नी में ओलंपिक से पहले, उस समय हमारे छात्र संगठन ने, इकलौता संगठन था इनसो जिनने विनेश को रिकवरी के लिए आर्थिक मदद करने का भी, सम्मान देने का भी काम किया था। विनेश 21 की लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, जब तक 29 साल और 361 दिन की है, 30 साल मिनिमम एज है राज्यसभा की। तो भूपेंद्र हुड्डा जी और दुष्यंत ये जो कह रहे थे कि भाई हम चुनाव लड़ा देंगे, लड़ा नहीं सकते क्योंकि उसकी उम्र नहीं हो रही। हाँ, अगर वो चाहते हैं तो फिर बजरंग से बात कर ले। अगर इसकी उम्र होगी है मोखरे वाली हमारी बहन की, साक्षी की, उससे बात कर ले। वो जिसका नाम प्रपोज करेंगे मैं जरूर उस पर साइन कर सपोर्ट करूँगा, मगर विनेश के लिए, क्योंकि वो 30 साल की नहीं है, राज्यसभा में नॉमिनेट हो वो, हम तो यही प्रधानमंत्री से मांग कर सकते हैं। और मैं तो सभी 90 विधायकों से ये कोई सेशन आएगा तो आग्रह करूँगा कि मिलकर लिखित में प्रधानमंत्री जी को भेजे हरियाणा की तरफ से कि नॉमिनेशन के लिए महामहिम राष्ट्रपति विनेश को आगे करें। हाँ, एक चीज़ जो देखने वाली है, समझने वाली है कि जो ये हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक सेटबैक है कि हमारा आया हुआ एक मेडल उस मेडल टैली से कम हुआ।